कल जैसे हम लोग ने देखा कि कल रात को हम लोग निकले थे मनाली के लिए, और आज सुबह दोपहर को अराउंड 12:30 बजे पहुँचे। अभी फ्रेश हो गए हैं, खाना खा लिया है। पिछले व्लॉग में मैं रूम सफारी देना भूल गया, अभी रूम सफारी दूंगा। हम लोग का फ्लोर अंडरग्राउंड में फर्स्ट फ्लोर पे है, पर नीचे के साइड है, रिसेप्शन ऊपर है जिधर से एंट्री होते हैं होटल को। तो आज हम लोग के साथ है दसिंदर पाजी, ये हम लोग को रूम सफारी देंगे और पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे रूम के बाजू वाली जगह। चलो आ जाओ। ये हमारा रूम, हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होटल में रहने की। यहाँ पर सर्विस बहुत अच्छी प्रोवाइड की जा रही है, रहने के लिए मज़ा आ रहा है। जो हमने सोचा था एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हमें वैसी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। हमें साथ में इतनी जान के खुशी हुई कि हमें बाथटब भी दिया हुआ है आइए साथ हम में लोग कनेक्टेड। देखते। आइए हम आपको दिखाते। ये हम लोग का बाथरूम, अच्छा खासा बड़ा मिरर भी दिया है, सब प्रोवाइड किया जा रहा है, शैम्पू एंड सोप्स, एंड बड़ा वार्डरोब भी है यहाँ पे, बड़ा वार्डरोब है। अच्छा साथ में कनेक्टेड गार्डन भी आए दिखाए। यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे से मेंटेन किया है यहाँ पे, अच्छे खासे मेंटेन किए हैं झाड़ियों को काट काट छाट के। और आप जैसे कि देख सकते हो बहुत बड़ा ग्राउंड है, मतलब घूमने के लिए जगह है। आप देख सकते हैं ये ऐसी बिल्डिंग है, और आगे एक्सप्लोर करते हैं हम लोग। तो आप यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे फ्लावर्स लगाए गए हैं जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। वो साइड में एक छोटा सा मिनिएचर वाटरफॉल जैसा बनाया गया है। कितना अच्छा बनाया है। अभी हम लोग आगे जाते हैं, आप उधर देख सकते हो क्या, वो देखो बर्फ। मनाली हम लोग देखते हैं अभी, आपको होटल सफारी देने के बाद अभी हम लोग थोड़ा बाहर घूमने को जाएंगे। अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं इसलिए टाइम मिल गया मुझे होटल का सफारी देने को आपको। इधर शायद फाउंटेन है जो कि बंद पड़ा है फिलहाल। तो हम लोग के कॉलेज के लड़के थोड़ा टहल रहे हैं, सब लोग अपना अपना फोटोज़ खींचने में बिज़ी है, मैं अपना व्लॉगिंग में बिज़ी हूँ, आपको दिखाने में बिज़ी हूँ। मतलब यहाँ बहुत कुछ है करने लायक। अभी देखते हैं, एक्चुअली मुझे वाईफाई ठीक से नहीं मिल रहा है इधर उधर, इसलिए व्लॉग थोड़े लेट आ रहे हैं, सॉरी गाइज उसके लिए। आगे की साइड क्या क्या है देखते हैं हम लोग। अभी हम लोग ऊपर जाके देखते हैं क्या क्या है। यो ये ऐसे ऐसे बीच बीच में आते हैं, ऐसे ऐसे बीच बीच में लोग आते हैं परेशान करने। लोग यहाँ पे अच्छा खासा फोटोशूट के लिए एरिया भी दिया है, मस्त इधर जाके हम लोग फोटोशूट सेशंस कर सकते हैं। वहाँ पे आप देख ही सकते हो चालू है फोटोशूट सेशंस, और फिर सीनिक व्यू देख लो। इधर बोन फायर के लिए अच्छा खासा जगह दी है, एंड यह हमारी मैम है स्वाति अंकर मैम। हम लोग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाती थी, और अभी हाय वी आर ऑन इंडस्ट्रियल विजिट, वी आर एट मनाली expecting snowfall probably today or tomorrow, enjoying a lot, and we are very wonderful VSCIT team like Yash, Jishan, Ronak, Omkar,
थैंक यू मैम। सो यहाँ पे आप और भी कुछ देख सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो देखते हैं अभी कहाँ से आ रही है पानी की आवाज़। ये रहा फ्लोइंग वाटर, बहुत क्लीन है ये वाटर, बहुत ठंडा भी रहेगा, जैसे कि मेरा हाथ पूरा का पूरा ठंडा पड़ गया है, देख सकते हो आप। इतना ही है फिलहाल तो दिखाने लायक, अगर कुछ और मिलता है और दिखाऊंगा हर समय की तरह। एंड आगे हम लोग घूमने जाएंगे तो उसका भी ब्लॉग बनाते जाऊँगा, इसमें ही ऐड करूँगा। अभी देखते हैं, मैं थोड़ा फ़ोटो शूट करा लेता हूँ अपना भी। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, यश अंडरस्कोर ठमके, मेरा यूज़र नेम है, इंस्टा आईडी है। सो ठीक है, आपको इस जगह कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स डालो। ओके चलो, पहले हम लोग जा रहे हैं हडिम्बा टेम्पल, और ये है हम लोग का होटल, ऐसा दिखता है बाहर से। हम लोग की बस खड़ी है एंड अच्छा ना होटल गाइस, बहुत अच्छा लगा है मुझे। चलो अभी बस नंबर 3 में जाना है, हम लोग का बस नंबर 3 है, वो रहा हम लोग का बस नंबर 3। हम लोग के होटल का नाम मनाली वैली रिसॉर्ट्स होटल, बर्फ, माउंटेन्स और क्या, डॉग्स किधर है, डॉग्स, हेलो कुत्ते लोग भी दिख गए इधर। पता है आपको कि कुत्ते लोग खूब ज़्यादा बाल देते हैं, बिकॉज ऑफ ठंडी उन लोग को थोड़ा वार्म रहना चाहिए, इसलिए कुत्ते लोग को ज़्यादा बाल दिए रहते हैं, इसलिए आपको फर फर ज़्यादा दिखेंगे ये कुत्ते लोग पे। हम लोग हडिम्बा टेम्पल के पास में, हडिम्बा टेम्पल के एरिया में। अभी हडिम्बा टेम्पल अराउंड इधर से कुछ थोड़ा आगे है, तो उधर चल के जाना पड़ेगा। तो लेट्स कंटिन्यू। कितने क्यूट पप्पीज है ना गाइस, बहुत क्यूट पप्पीज है। गाइस 7 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, 7 डिग्री सेल्सियस कम नहीं है, और उसमें ये ठंडी हवा, गाड़ियाँ बारिश से जा रही है और हवा फेंक रही है और ठंडी लग रही है, क्या कर सकते हैं। एवरीवन अभी समझा है कि 1.5 किलोमीटर का वॉक करना है हमें, क्या बात है यार। ऊपर बस ही नहीं चढ़ता, बस का पार्किंग नीचे था, ये देखो ऊपर से जाता है तो जाता है रिक्शा और कार्स और बाइक्स, और कुछ नहीं दिखेगा, और इंसान भी जाते हैं यार। हाँ इंसान यार चल चल के जाते, ये देखो चल रहे। गाइस बहुत ठंडी लग रही है, और इधर देखो क्या मिल गया, थोड़ा हाथ से चाट जाऊंगा। गाइस बहुत ठंडी है, और क्या अच्छा खासा मिल गया आग, थोड़ा हाथ सेक लेते हैं। मस्त वाला गर्मी मिल रहा है गाइस, मस्त वाला गर्मी मिल रहा है, हाथ सेक लिया है, अभी आगे का वॉक कंटिन्यू करते हैं। ये हम लोग बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री अंदर पहुंच गए हैं, अभी देखते हैं अंदर कैसे कैसे क्या क्या है। अभी जैसे मैंने बोला वैसे मैं एक एक बार ऐसे घुमाते हुए जाऊंगा इसको, मटर लिखे हुए हैं और इसको कोरा बोलते हैं, कोरा घर का नाम है। अंदर लॉर्ड बुद्ध का आइडल और ये रहेंगे उनके बॉर्ड में रहेंगे, तो देखते हैं। गाइस ये लोगों ने बताया मुझे कि यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, हिमालय उसके वजह से अंदर लेके नहीं जा सकता, मैं राशि का
लेके आता हूँ एंड आशीर्वाद लेने के बाद। सो गाइस ये अंदर से कुछ टेम्पल वगैरह टेम्पल जैसे ही था, बाहर मंत्र वगैरह लगाया है पर एक्चुअली ये अंदर जाके म्यूजियम है करके समझा। उन लोग के आइडल्स लगे हैं लाइक उनके भगवान एंड सब गौतम बुद्ध के वगैरह आइडल्स लगे हैं सब जगह और ऊपर फोटोज़ वगैरह है सब जगह। डोनेशंस वगैरह दे सकते हैं हम लोग इधर और क्या। इधर एक मंत्र लिखा है इनको भगवती सर्वमंगलम मणि प्रिया वील है। तो ये जो मणिटन मंत्र लाइक मणि प्रिया वील था तो इधर तो हो गया देख के। अभी हम लोग आगे जाएंगे शायद शॉपिंग मॉल जाएंगे या फिर पहले हडिम्बा टेम्पल जाएंगे तो निकलते हैं। गाइस अभी ट्राई करते हैं हम मनन स्पेशल मोमोज। अच्छा कोई स्नोफॉल है बजाय रहे। गाइस अभी अभी पता चला है कि कल स्नोफॉल होने वाला है। अभी हम लोग का लक कितना है देखते हैं। हुआ तो नसीब से बहुत अच्छा रहेगा, स्नो देखने को मिलेगा बहुत करीब से हर जगह रोड पे या फिर उन्होंने बोला है कि हाइटेड जगह पे होगी स्नोफॉल। देखो गाइस मतलब इधर के जब हमने मोमोज खाए तो कुछ 50 रुपीस के, लेकिन जब मुंबई के मोमोज खाएंगे तो कुछ 90 या 100 रुपीस में खाने में मिलते हैं मोमोज। मतलब ये सस्ता है और मतलब अच्छा भी था। गाइस ये हमारे नागराज सर। हाय सर, बहुत ही कूल ग्रेट। यस बहुत ही कूल सर, बहुत अच्छा लग रहा है बच्चों के साथ। एक कूल क्लाइमेट अराउंड अबाउट 1 डिग्री सेल्सियस। इंग्लिश इज आल्सो सो फ्लुएंट, यू कैन You can enjoying notice. lot here. The nature is very wonderful. Yeah. And I hope all this snowfall होने वाली है यहाँ पे. So let's enjoy the snowfall with the guys. Yeah. And the guys are doing a good job here. My having a YouTube show because this memories I will continue the whole life. They will be not be there with us. वो लोग रहेंगे नहीं. उनका last year है, टीवा है. उसके बाद चले जाएंगे. But ये सब चीज यादगार रहेगा हमारे लिए. And I want to thank each and every guys for doing this great job, keeping this memory cool. And I appeal to all the college students to subscribe this because they are doing a wonderful job. Yeah. Thank you, sir. Thank you. चल बे तेरे लोगों पे ना प्यार करने वाला कोई चीज केयर करना करीब देखे कम उदास बैठे रहते ये मेरा भी ले नीचे बैठ के। जो मनाली मॉल रोड से कुछ 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा। और यहाँ पे ये जो भी बड़े बड़े लंबे पेड़ दिख रहे हैं पाइन ट्री है और जो ये मंदिर बना हुआ है पूरा इसी लकड़ी का बना हुआ है। जब से ये मंदिर की स्थापना हुई है तब से इसमें कोई भी रेनोवेशन नहीं हुआ है और जब उस टाइम पे ये मंदिर जैसा बनाया गया आज भी उसी हालत में है। और यहाँ पे पहले जो भी लोग यहाँ पे मन्नत मांगने के लिए आया करते थे उन लोग यहाँ पे बलि देते थे, जैसे हिरण हो गया, फिर भेड़ हो गया या बकरी हो गई, उनकी मन्नत पूरी हो जाती थी तो यहाँ पे वो बकरी की बलि दी जाती थी। अभी जब बलि प्रथा बंद होने से कुछ 4-5 साल पहले से बंद कर दिया कि कोई भी मंदिर में पशु की बलि नहीं दी जाएगी। अभी भी कुछ लोग ना रात में छुप के आके काट के उसकी बलि दे के फिर वापस चले जाते हैं चोरी छुप। और जब से बलि प्रथा बंद हुई तब से मतलब यहाँ पे खुलेआम में कोई बलि नहीं दी जा सकती। और जो भी ये पेड़ है ये पेड़ इतने इनकी जो हाइट है मतलब इंडिया में सबसे बड़े हाइट में यही पेड़ पाइन ट्री इनको बोला जाता है। अच्छा, मतलब इनको कभी अभी कीड़े वगैरह नहीं लगते पाइन? इसको दीमक नहीं लगता है। जो लकड़ी को कभी देखा होगा आपने कुछ दिनों के बाद में वो थोड़ा लकड़ी का ऐसा आटा जैसा छोड़ देते हैं वो इसमें कभी भी नहीं होता। ये इसकी खासियत और ये हिमालय क्षेत्र में ही पाया जाता है क्योंकि इसकी खासियत क्या है इसमें अगर बर्फ़ भी पड़ती है तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके पत्ते नुकीले होते हैं एकदम सख्त कि बर्फ पड़ेगी बर्फ नीचे गिर जाती है। ठीक है थैंक यू। एक्चुअली गाइस बहुत अंधेरा है सो पेड़ तो आपको अभी दिखेगा नहीं, बहुत बड़े बड़े और जाड़े जाड़े पेड़ हैं। और वो रहा मंदिर
सो अभी मंदिर में आशीर्वाद देते हैं। ये है हडिम्बा देवी का मंदिर, जैसे कि आपने अभी सुना वो हम लोग के सर थे, उन लोग मतलब गाइड थे, तो उन्होंने पूरा बता दिया है। तो चप्पल उतारते हैं। एवरीवन आशीर्वाद ले लिया है और प्रसाद भी खा लिया है। अभी होटल में जाएंगे। अराउंड 6 डिग्री सेल्सियस है, 5 to 6 डिग्री सेल्सियस है और बहुत ठंडा, हाथ बहुत ठंडा हो गया है, सूज पड़ गया। जैकेट मैंने बस में रखा है तो बस में जाके पहनूंगा। और ये है इसीलिए आशीर्वाद ले। तो अभी हम लोग होटल में जाएंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालो। कल हम लोग स्नो पॉइंट के लिए निकलेंगे, तो और शॉपिंग भी कल ही होने वाला है बिकॉज अभी बहुत अंधेरा हो गया और ठंड बढ़ती जाएगी अभी क्योंकि टेम्परेचर घटते जाएगा। तो चलते हैं।